This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखो, मैट्रिक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला तथा अंकगणित, अंग्रेजी वर्णमाला और अंकगणित दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें एक तरफ अंग्रेजी वर्णमाला रहती है कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक तरफ रहता है अंक। अंग्रेजी वर्णमाला और अंक दोनों का जो मिश्रण को हम मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक में एक प्रकार से देखा जाए, मैट्रिक जैसे हम किसी की शादी करते हैं, ठीक है, शादी विवाह जैसा हम किसी का राशि निकालते हैं या किसी को वर्ण निकालते हैं, उसी आधार पर उसको हल करना रहता है। एक तरफ उसमें राशि रहती है व्यक्ति की, ठीक है, एक तरफ उसकी राशि रहती है और एक तरफ उसका वर्ण रहता है, ठीक है। तो दोनों का जो मेल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, दोनों का जो मेल रहता है उसमें एक अंक प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक कहते हैं। और इसमें दो तरह के अवयव रहते हैं, अवयव नंबर 1 और 2, ठीक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन को इन जो अपना हिंदी और इंग्लिश वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला और अंक की जो माला है उसी के आधार पर हमको इसको हल करना रहता है, ठीक है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा FAKE, ठीक, FAKE, ठीक। इसके कुछ विकल्प भी दिए हुए हैं, विकल्प है ए, विकल्प है 0401 66 और 12, ठीक है। बी है 21 41 65 00, सी है 21 14 65 00, ठीक है, और डी है 01 14 56 00 है ना। ये हमारा शब्द है FAKE। FAKE को क्या करना है, हमको मिलाना है। देखो, ये हमारा व्यू है, कुछ इस तरह से रहता है व्यू, ठीक, बना देता हूँ एक बार, इस तरह से व्यू रहता है, ठीक। ये नंबर दिए जाते हैं 1 1 2, ठीक है, 0 1 और ये 2, ठीक। इस तरह से इसमें नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। इसका जो निचला जो भाग रहता है, ठीक है, निचला जो भाग होता है जो इस तरह से होता है, इसको हम रॉ बोलते हैं, ठीक है, और ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉलम। रॉ इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। जब भी हम किसी शब्द को मिलाते हैं, जैसे ई, ई को देखना है हमको ना, ई को देखना है, तो जैसे ये 12 है, ठीक है, ये 12 जो है, 12 का पहला जो अंक है 1, ठीक है, पहला जो अंक है उसको क्या बोलेंगे हम, रॉ, ठीक। तो पहला हमें किधर से मिलेगा, निचला वाला भाग से पहला के मिलेगा, और दूसरा का जो मिलेगा वो मिलेगा ऊपर वाले भाग से। तो पहला अंक और दूसरा अंक दोनों को मिला के जो शब्द बनता है उसको हम बोलते हैं रॉ और कॉलम, ठीक है। पहला शब्द जो अपना हो जाएगा कौन सा, निचले वाला, निचले भाग का पहला शब्द, ऊपर का कॉलम का दूसरा शब्द, ठीक है। तो हम इसको मिलाते हैं, देखिए पहले लेते हैं हम 12, ठीक है, 12 पहले लेते हैं। 12 को ऐसा मिलना चाहिए कि इसका मिलने का योग क्या होना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है। तो मिलाते हैं 12 का कॉलम, ठीक है, इसमें पहले लेंगे 1 1, ये है 1 को ले लिए, और ये 2, 1 और 2 दोनों को मिला क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, 1 और 2 दोनों को मिलाए तो ई आ रहा था, ये सही है, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेते हैं 6 और 6, ठीक है, ये 6 और 6, 6 और 6 को मिला के क्या आ रहा है इसमें, आर। तो ये यहाँ पे अपना क्या हो गया, गलत, ये अपना पूरा सीरीज नहीं जा पा रहा है, ठीक है। 6 और 6 को मिला के क्या आना चाहिए, कि आना चाहिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, पहला हमारा आ रहा है गलत, ठीक है। अब दूसरा मिला के देते हम 0 0, देखो 0 से 0 मिलाने हैं, ये सही है, ठीक है, ये अपना 0 है, 0 से 0 मिला रहे हैं यहाँ पे हम, ये 0 से 0 मिला रहे हैं, तो ये 0 है और ये 0 है, यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है, तो दोनों को मिला रहा है तो क्या आ रहा है अपना, ई आ रहा है, ठीक है। 0 से 0 मिला रहे हैं तो ई आ रहा है, ई हमारा यहाँ पे भी है ऑलरेडी, तो ये हमारा पहला हो गया सही। दूसरा 6 और 5 को मिलाना है, 6 और 5 को मिला के आ रहा है के, ठीक, तो ये भी सही है हमारा, 6
ये है और पांच, ये दोनों को मिला रहा है तो के आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है और पांच को दोनों को मिलाएंगे तो के आ रहा है, तो अपना 65 भी सही है। अगला है 4 और 1, 4 और 1 को मिलाना, मिलाने में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है, तो 4 ये है और 1 ये, दोनों को मिला रहा है तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो दूसरा भी हमारा सही है। लास्ट का है 2 और 1, 2 और 1 को मिला के आना चाहिए, एफ आना चाहिए, 2 और 1 को मिला के क्या आ रहा है, 2 और 1, ठीक है, दोनों को मिला के आ रहा है, एफ आ रहा है, तो एफ क्या, हाँ आ गया अपना ये, तो ये हमारा बी नंबर का उत्तर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर का जो है हमारा वो हो जाएगा राइट। जिस तरह से हम राशि मिलाते हैं ना उसी तरह से हम उसको मिलाएंगे, ठीक है, उसको मैट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में। अगला शब्द देखिएगा, पी एच जी डब्ल्यू, टी पी एच ओ पी एच जी डब्ल्यू, दूसरा है इसका ये देखिएगा आप, 55 32 24 और 88, ठीक, 55 32 24 88 बी है हमारा, 56 32 24 56 32 24 और 87, ठीक है, 87, ठीक, सी है 97 30 82 88, 4 8 88, ठीक है, डी नंबर का है हमारा 77 32 और 42 75, ठीक है, 42 75। देखो अगर ये अंक का ऊपर दिया होता, ठीक है, अंक का ऊपर दिया होता, हाँ अंक ऊपर दिया होता सब, और ये अंग्रेजी वर्णमाला जब नीचे दी होती तो हम इसमें क्या मिलाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को मिलाते हैं, परंतु उसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, अंक नीचे दिया गया है और ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला है, तो हमको जैसा डब्ल्यू का मान निकालना है तो 8 में और 8 दोनों को ऐसा मिला, जैसे ये 8 लिखा है और ऊपर ये 8 लिखा है, ठीक है, तो दोनों को कुछ इस तरह से मिलाना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों को मिलाने के बाद जो हमको डब्ल्यू प्राप्त होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर डब्ल्यू जगह कुछ और प्राप्त हो रहा है, ई प्राप्त हो रहा है, एफ प्राप्त हो रहा है, जी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा, तो वो हमारा गलत रहेगा, सही नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से हमको इसमें लाना है। तो पहला देखते हैं हम 8 और 8, ठीक है, 8 कहाँ है अपना, ये है और 8 ये है, दोनों को मिला के क्या प्राप्त हो रहा है, डब्ल्यू प्राप्त हो रहा है, तो पहला हमारा सही हो गया है ना। दूसरा मिलाते हैं 2 और 4, 2 और 4 को मिला के क्या, मिला के प्राप्त हो रहा है अपना बी, तो ये हमारा यही से क्या हो गया, कैंसिल आना, गलत हो गया ये, ठीक है, मिलना तो पूरा मिलना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा मिलना चाहिए कॉलम, ठीक, पहला गलत हो गया। दूसरा मिला के देखते हैं 8 और 7, ठीक है, 8 और 7 को मिला रहा है तो 8 और 7, ये 8 और ये 7, क्या पर मिल रहा है यहाँ पे, एम मिल, तो 8 और 7 को मिला क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है, तो ये भी यहीं पे हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है। अगर मिलाते हैं 8 और 8, 8 और 8 को मिला क्या मिल रहा है, डब्ल्यू, ठीक है, तो पहला हमारा सही हो गया। 4 और 2, 4 और 2 कहा, 4 ये है 2, ये 4 2 मिला मिला क्या मिला जी, तो दूसरा हमारा सही हो गया, ठीक है। कर लेते हैं 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 मिलाते हैं, 2 ये है और 3 ये है, ए मिल रहा है यहाँ पे, ए है क्या, नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगला है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में 7 और 5, 7 और 5 को मिला के मिला डब्ल्यू, तो पहला हमारा हो गया सही, ठीक है। दूसरा 4 2, 4 2 यहाँ पे मिला हुआ, तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। अगला है 3 और 2, 3 और 2 को मिला के मिल रहा है एच, यहाँ पे एच है क्या, सही है ना। अगला है 7 और 6, 7 और 6, 7 और 1 बोला 6 मिला के फिर मिल रहा है, चारों शब्द अपना इसमें मिल चुका है, तो इसमें डी नंबर का जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, डी नंबर का है हमारा इसमें आंसर, ठीक है। इनका जोड़ा मिलाना होता है, ये हमारा अंक दिए हुए हैं, ठीक है, नीचे का पहले रो मिलाओ फिर कॉलम मिलाओ, नीचे रो में क्या आएगा 7, कॉलम में जाएगा 5, दोनों का योग में जब मिलेगा तो दोनों को मिलने पे डब्ल्यू प्राप्त होना चाहिए, अगर डब्ल्यू प्राप्त नहीं हो रहा तो वो अपना ये जो अपनी लाइन है वो गलत हो जाएगी, ठीक है, अगर डब्ल्यू प्राप्त हो रहा है तो अपना सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा सही है, डी हमारा इसका जाएगा आंसर। थर्ड नंबर का देखते हैं, एस टी ई एम, एस टी
और एम, ठीक है, एस टी ई और एम। इसका ऑप्शन है 0 0 3 5 7 1 2 8 7, ठीक है। बी ऑप्शन का है 22 69 4 1 4 1 8 5 8। दूसरी है 22 57 21 और 85, ठीक है। डी है 22 57 21 और 58, ठीक है। इन तीनों को रो और काला होने को क्या करना है, मिलाना है। देखिएगा पहले क्या मिलाएंगे हम, 8 और 7, ठीक है। 8 और 7 को हम पहले इसमें मिलाएंगे। 8 और 7 देखते हैं, 8 कहाँ है अपना, ये है 8, ठीक, ये 8 है और 7 कहाँ पे, ये है। 8 और 7 को मिलाने में एम मिल रहा है अपना, सही, एम यहाँ पर भी है तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2, 1 और 2 को मिलाने में क्या मिलना चाहिए, ई। तो 1 और 2, 1 ये है और 2 ये है, ठीक है। इन दोनों को मिला रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, ई। ठीक है, 1 और 2 दोनों के मिलाने में ई मिल रहा है, ये 1 और 2, 1 और 2 मिलाने पर ई मिल रहा है, ई हमारा सही है, ठीक है। दूसरा भी हमारा सही है। अब 5 और 7, 5 और 7 को मिला के क्या मिलना चाहिए अपने को, टी मिलना चाहिए। है 5 और 7 इन दोनों को मिला के क्या मिलना चाहिए, टी मिलना चाहिए। कहाँ है हमारा, 5 ये है, 5 ये है, 7 ये है, दोनों को मिला के क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, ये भी सही है। 0 और 3 को मिला के क्या मिलना चाहिए, यस। 0 और 3, 0 और 3 को मिला क्या मिल रहा है, यस। तो हमारा फर्स्ट नंबर का इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर का जो है विकल्प उसको सही रहेगा हमारा, ठीक। इस तरह से हमको उसको मिलाना होगा, पहले रो मिलाओ फिर कॉलम मिलाओ, दोनों को मिला के उत्तर ले आओ, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर का, वी ए एस और टी, ठीक, 8 9 0 1 22 और 56। आठ नौ 30 22 और 75, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा हमारा 56 41 44 57। डी ऑप्शन रहेगा 56 22 और 75, ठीक है। 56 22 और 75, ठीक है। इन तीनों का अपने को करना मिलाना है, ठीक है। देखो 5 और 6, 5 और 6, ठीक है। 5 और 6 को मिला के क्या मिल रहा है, बी। मतलब ये यहाँ अपना मिला चाहिए टी, पर मिल रहा है बी, तो ये हमारा नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला ही हमारा जो सीरीज है वो पहली सीरीज का होगी गलत। 5 और 6 को मिला के अपना आपको चाहिए क्या, टी, पर मिल यहाँ पर रहा है वी, तो ये हमारा पहला हो जाएगा गलत। सेकंड देखते हैं 7 और 5 को मिला के क्या मिला चाहिए, टी। 7 और 5 को मिला के क्या मिल रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। 5 और 7 को क्या मिलना चाहिए, टी। 5 और 7 मिला के टी मिलना चाहिए, तो पहला सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। 5 और 7 को मिला के क्या मिल रहा है, टी। उसके बाद देखते हैं अगला 7 और 4 और 4, 4 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
लोगों को लिए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपना, यस ठीक है, तो ये हमारा सही है ठीक। फोर फोर को मिला के क्या मिल रहा है ऊपर से नापे ना ये ठीक।
जी, 4 और 4 को मिला के मिल रहा है यस, तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा है 4 और 1 को मिला के मिलना चाहिए ए, ठीक है, 4 ये है और 1 ये, दोनों मिला के मिल रहा है ए, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा नंबर का है 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6 को मिला के मिलना चाहिए बी, तो 5 और 6 को मिला के बी मिलना चाहिए, तो बी हमारा यहाँ मिल चुका है। तो ये हमारा तीसरा नंबर का जो है ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा, ठीक, VAST का 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला देखिएगा, सेम ऐसा ही रहेगा, कुछ ज्यादा कुछ अपने से कुछ करना नहीं है। FRANK, ठीक, फ्रैंक है, इसको मिलाना अपने को, 5वां नंबर का है ना, 4 का जुगे है, 5वां नंबर का FRANK, फ्रैंक, इसको मिला के इसको अपने को शब्दों से मिलाना, ठीक है, देता हूँ, इसके भी ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है 04, 718, 01, 58 और 66, ठीक है, बी ऑप्शन है 21, 78, 41, 8, 5 और 66। सिक्स फाइव है, 6 5, ठीक है, 3 नंबर का है, 21, 66, 21 और 66, 01, 21, 66, 01, 56, 56, 85 और 56, डी नंबर का है 04, 66, 04, 66, 10, 58, 65 है ना, 10, 58 और 65, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक उधर भी है, 5 अंक इधर भी, दोनों को मिला के ये हमारा उत्तर मिलना चाहिए। देखो लास्ट में क्या है, 6, 6, 6 है ना, 66 को मिला के क्या मिलना चाहिए, के मिल क्या रहा है आर, ये हमारा पहला गलत हो गया, ठीक, 66 मिलना चाहिए, तो के मिलना चाहिए, पर कितने मिल रहा है आर। अगला 6 और 5, 6 और 5 को मिला क्या मिलना चाहिए, के, 6 और 5 को मिला के मिल रहा है ना, पहला वाला सही है ना। 8 और 5 को मिला के एन मिलना चाहिए, 8 और 5 को मिला के एन मिल रहा है, दूसरा भी सही। 4 1 को मिला के ए मिलना चाहिए, 4 और 1 को मिला के ए मिला के ए मिल रहा है बराबर, तो ये भी सही है। 7 और 8 मिला को मिला के आर मिलती है, 7 और ये है और 8 ये, दोनों को मिला रहा है तो आर मिल रहा है, तो ये भी हमारा सही है। 2 और 1 को मिला के एफ मिलना चाहिए, तो 2 और 1 को मिला के एफ मिल रहा है यहाँ पे, तो ये भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, FRANK, फ्रैंक का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर का ई एस और टी, ठीक है, ई एस और टी, इसको आपको हल करना है, 12, 41, 30, 57, 12, 41, 30 और 57, ठीक, बारह चौदह चवालीस, 12, 14, 44, 69 सी है, 12, 14, 22, 98 डी है, 00, 41,
2839। ठीक है, तो उसको मिलाना है। मिलाओ, कैसे मिलाएंगे देखो, है ना। इसको देखिएगा ध्यान से, 5 और 7 को मिला के टी मिलना चाहिए। 5 ये है 7 ये है, दोनों मिलाए टी मिल गया, पहला सही हो गया। 3 और 0 को मिला के यस मिलना चाहिए, 3 और 0 को मिला के यस मिल गया, ये भी सही है। 4 1 को मिला के ये मिल गया, 4 1 को मिला के ए मिल गया, ये भी सही है। 1 और 2 को मिला के ई मिलना चाहिए, 1 और 2 को मिला के ई मिल गया, तो ये भी सही है। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का EAST का आंसर है ए। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड कुछ है नहीं है इसमें, ये कॉलम रहेगा, ये चीज रहेगी। मैं आपको पहले के उत्तर प्रश्न लिखिएगा। GVRX, ठीक है, इसमें अपने को इसी को यूज करना है, ठीक है, ये इसी को यूज करना है, इसी को यूज करके आपको बदलाना है। स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन, GVRX, ठीक है ना, इसमें जी है, ओके ओके बीच में होगा ना, GVRX, ठीक है। ऑप्शन है इसका ए 13 65 78 69, ठीक है, बी है 21 56 87 96, सी है 24 56 87 96, डी है 82 56 78 69, ठीक है। GVRX इसका आपको निकाल के बताना है, ठीक है, कि कौन सा इसका ऑप्शन आएगा। अगला देखिएगा, दूसरा है DMER, DMER इसका ऑप्शन है ए 34 87 12 59, ठीक है, बी है 11 58 21 78, सी है 11 85 21 87, डी है 43 85 12 78, ठीक है। 9वां और 10वां इसको हम ए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जी दोनों मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया हूँ इनका आप मेरे को उत्तर दिलाइएगा, ठीक है। और मैट्रिक की ये क्लास है जो हमारी आज यही खत्म होती है, और आपको वीडियो कैसा लगा हो मेरे को बताइएगा, अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, ना लगा हो तो भी बताइएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार हो कभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते रहेंगे हम फिर से। ठीक यार, बाय बाय।